हैदरी और लियाकताबाद मार्केट की दुकानों के बाहर अफसरदा बैठे दुकानदारों ने सच्चल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें आखिर के दो दिन काम करने की इजाज़त दे दें तो हमारे कुछ आंसू पुछ जाएंगे। हमारे हुक्मरानों के लिए कोरोना वायरस नहीं है, इसलिए वजीर आजम गैर मुल्की दौरे पर गए हुए हैं। कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। गवर्नमेंट तो हमारे अपने आवाम पर थोड़ा बहुत सोच रही है और उसने अच्छी प्लानिंग भी की है, लेकिन कम से कम ये चार दिन मिले थे ईद से पहले कि कम से कम ये गरीब आवाम के उसका ख्याल रखते हुए एक बिजनेस जो है स्मॉल बिजनेस है जो छोटे लोगों का बिजनेस और दबाव बर्बाद हो गया है। माशी मसले मसाइल का इन सबको अंदाज़ा नहीं है कि किस किस नहज पर जा चुका है और गुर्बत की लकीर के बहुत जा चुके हैं। अब आवाम जो है परेशान है, ज़रा इनको ख्याल करना चाहिए। आगे अभी जो दो दिन बचे हैं कम से कम इसमें ये है शाम 6 बजे तक खोलते हैं तो ये है कि दो दिन में काफ़ी कुछ लाखों इंसानों का भला हो जाएगा। इस मौके पर मार्केट के अतराफ खड़े रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि मार्केटें बंद हो जाने से हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, सारा सारा दिन हो जाता है, कोई सवारी नहीं मिलती, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं, हुकूमत को भी गरीब आदमी की परवाह नहीं है। तो मजदूरी के लिए आए हैं जो बेचारे कि 8,000 सात हज़ार तनख्वाह है, जो रक्षा चला रहे हैं रोडों पे, कोई कारोबार नहीं, बेहाल हो गए हैं, बदहाल हैं, परेशान हैं। घरों में जाते हैं तो घर में जाने की कैफियत है, घरों से बाहर निकलते हैं तो भी पालक लगा हुआ है, ना कोई कारोबार है, ना रोजी है, कुछ पत्ते ही हालत है। शहरियों ने कहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है, मार्केटों में ताले लगे हुए हैं, जबकि सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मामूल से बहुत कम है। इन दिनों शहर कायद की मार्केटों में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, तहम आलमी वबा के 22 पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन का समा है। कैमरामैन आमिर काजमी के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।